मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। पलायन करने वाले परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है बीजेपी ने। तो बड़ी खबर आ रही है, 9 अहम बिंदुओं पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। कैराना में एक भी पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? कितने परिवार संपत्ति बेचकर 4 सालों में गए हैं? कितने गैस कनेक्शन दूसरे शहरों में ट्रांसफर हुए हैं? कितने बच्चों ने स्कूलों में मिड टर्म में पढ़ाई छोड़ी है? कैराना में कितने असलहे हैं, किस वर्ग को दिए गए हैं? इलाके में कितने लोग एनएसए के तहत आते हैं और कितने लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है? और साथ ही साथ पिछले 4 सालों में कितने लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट चलाया गया है? तो कितने लोगों को तड़ी पार किया गया है? ये तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी ने उठाए हैं। डर के साए में लोग ये जी रहे हैं, ये कहना है बीजेपी का। तो कैराना मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है। बड़ी खबर, पलायन करने वाले परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है बीजेपी ने। 9 अहम बिंदुओं पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। पहला ये कि कैराना में एक भी पेट्रोल पंप क्यों नहीं है? दूसरा, कितने परिवार संपत्ति बेचकर 4 सालों में यहाँ से निकले हैं? कितने गैस कनेक्शन दूसरे शहरों में ट्रांसफर हुए हैं? इसके अलावा कितने बच्चों ने स्कूलों में मिड टर्म में पढ़ाई छोड़ी है? कैराना में कितने असलहे हैं और किस वर्ग को दिए गए हैं? इलाके में कितने लोग एनएसए के तहत पकड़े गए हैं? कितने लोगों के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोली गई है? पिछले 4 सालों में कितने लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में चार्ज लगा है? कितने लोगों को तड़ी पार किया गया है? साथ ही कैराना में लोग भय के साए में जी रहे हैं, ये रिपोर्ट में बीजेपी ने अपना कहा है। तो बड़ी खबर, कैराना मामले में बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की है, मुआवजे की मांग की है जिन लोगों ने पलायन किया है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण 9 बिंदु यहां पर बीजेपी ने उठाए हैं कैराना के लेकर, कि पेट्रोल पंप यहां पर नहीं है, संपत्ति बेचकर 4 सालों में कितने परिवार यहां से निकले हैं, कितने गैस कनेक्शन दूसरे शहरों में ट्रांसफर हुए हैं, कितने बच्चों ने मिड टर्म में पढ़ाई छोड़ी है। तमाम मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं। कैराना में कितने असलहे हैं और किस वर्ग को दिए गए हैं? इसके अलावा कितने लोग एनएसए में के तहत दोषी पाए गए हैं? ये तमाम मुद्दे बीजेपी ने उठाए हैं। और तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। केशव मौर्य ने यहाँ पर अपनी जांच रिपोर्ट, जिसमें 9 महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई हैं, राज्यपाल को सौंप दी है। आज बीजेपी को राज्यपाल को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, जिसे बीजेपी ने राज्यपाल को सौंप दिया है, जिसमें 9 प्रमुख बिंदु हैं। कैराना का मामला बहुत गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी का जांच दल कल मौके पर जांच के लिए गया था। 3 पृष्ठ की एक जांच रिपोर्ट भी पार्टी को जांच दल की ओर से प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट के आधार पर और जो लगातार समाचार प्राप्त हुए, समाचार के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राज्यपाल जी को ज्ञापन दे करके पहले संपूर्ण घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। जो परिवार वहाँ विस्थापित हुए हैं, सभी परिवारों की वापसी ही नहीं बल्कि उनको सुरक्षा की दृष्टि से भी एक ऐसा माहौल वहाँ पर मिलना चाहिए जिससे उनको फिर से पलायन ना करना पड़े। तीसरा विषय, जिन अपराधियों के कारण वहाँ से लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, उनके खिलाफ सरकार संदेश देने वाली कार्रवाई करे। तो बीजेपी ने अपनी जांच रिपोर्ट, अपना ज्ञापन राज्यपाल राम नाईक को सौंप दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां पर जांच की और 9 महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर उठाए हैं। राकेश यादव सपा नेता इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बीजेपी ने यहाँ पर जांच रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है, महत्वपूर्ण बिंदु उठाए हैं जिस पर सवाल यहाँ पर बीजेपी ने खड़ा किया है, सीबीआई जांच की मांग की है, मुआवजे की मांग की है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो जांच रिपोर्ट दी है भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे पहले मैं मांग करता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं आदरणीय हुकम सिंह जी, उनके खिलाफ एक मुकदमा होना चाहिए जी। जिन लोगों की उन्होंने जांच रिपोर्ट माने राज्यपाल जी को भेजी है, वो बिल्कुल सरासर गलत है। एक चैनल के माध्यम से इस चीज का दूध पानी का पानी ये होता है कि वो लोग वहां से प्लानिंग करके नहीं, पहले ही ऑलरेडी वो अपने कारोबार से घर से बाहर है, आते और जाते रहते हैं।
जी, लेकिन इन आरोपों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये देखिए राजनीतिक इनका केवल मुद्दा बनाना चाह रहे हैं ये लोग कि भाई चुनावी बहुत नजदीक टाइम आ गया चुनाव का, तो ये इनको मुद्दा बना रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये वहाँ लगातार चार बार पांच बार विधायक रहे हैं और इस टाइम सांसद हैं, क्या इनको इतनी भी मर्यादा नहीं रही इनको कि अगर जो लोग प्लान कर रहे थे, इन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें दर्द क्या है, दुख क्या है तुम्हारा, कभी भी नहीं। इन लोगों को केवल राजनीति करनी आती है और झूठ बोल करके वोट लेना इनसे सीखे कोई, ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं, विकास के कोई काम नहीं किए हैं, ये अपने मुद्दों से भटक गए हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम। राकेश जी आरोप यहाँ पर लगा है कि सुरक्षा व्यवस्था और क्राइम बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर पलायन किया। हालांकि जांच अभी भी जारी है, सीबीआई जांच की मांग की है, तो क्या आप सीबीआई जांच करवाएंगे इस मामले पर? राकेश जी, क्या सीबीआई जांच के लिए आप तैयार हैं? चलिए राकेश जी हमारे साथ बने रहिए आप। सुरेंद्र राजपूत जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कांग्रेसी नेता। सुरेंद्र राजपूत जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? बीजेपी ने अब यहाँ पर सीबीआई जांच की मांग की है, आरोप यहाँ पर एसपी सरकार पर लगातार लग रहा है, सवालों के घेरे में है, ऐसे में आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले तो तय करेगी ये मुद्दा सांप्रदायिक है या कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं में फ्रैक्चर्ड हाउस है और मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं पूरे देश से अपील कर रहा हूं कि कृपया कैराना को कश्मीर की तरीके से न देखें। मैं कैराना का स्वयं रहने वाला हूं, कैराना में हिंदू और मुसलमान की कोई समस्या नहीं है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने निर्भय मार्च करने की कोशिश की, कांटा पल्लम भाला और जिस तरीके से दांती लेकर के और गंडासे लेकर के, ऐसा तो निर्भय मार्च हमने कभी नहीं देखा, ऐसा सत्याग्रह तो हमने कभी नहीं देखा। ये भयाक्रांत करके 2017 के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं शबनम, इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। मेरा तो बड़ा स्पष्ट आरोप है संगीत सोम के ऊपर भी और हुकुम सिंह जी के ऊपर भी, 2014 से अगर ये बात चल रही है या 12 से ये बात चल रही है तो ये लोग अब तक कर क्या रहे थे? एक एफआईआर कोई एक, हाँ ये मैं मानता हूँ कि कानून व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, कानून व्यवस्था बहुत खराब है, सरकार के प्रशासन की इकबाल खत्म है, मुकीम काला गैंग जो है जेल से ऑपरेट हो रहा है, इन सब बातों को लेकर के कठोरतम कानूनी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए और वहां पर एक चीज होनी चाहिए कि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो। जो बात पलायन की है, सच्चाई है, मैं कैराना से क्या मैं पलायन कर रहा हूँ? मैं लखनऊ में रह रहा हूँ तो ये लोग मेरे परिवार का नाम भी जोड़ रहे कि साहब ये तो वहां पे पलायन से डर करके भाग गए। सच्चाई इसमें नहीं है, रोजगार का सृजन होना चाहिए। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार। सुरेंद्र जी, जांच तो यहाँ पर जरूरत है, जांच तो होनी चाहिए। जांच सांप्रदायिकता की नहीं, जांच आपराधिक घटनाओं की होनी चाहिए, जांच लूट की होनी चाहिए, अपहरण की होनी चाहिए, हत्या की होनी चाहिए। इसमें कितने की जांच करते आई, सीबीआई की जांच करके ये लोग शुद्ध रूप से मुद्दे को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ एसपी नेता रंजना वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रंजना जी, आपकी क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया है? जिस तरह से यहाँ पर मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है, सीबीआई जांच की मांग बीजेपी यहाँ पर कर रही है, मुआवजे की मांग बीजेपी ने यहाँ पर की है। देखिए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, ये साफ हो गया है, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं है, मुद्दा नहीं है। बहुत से लोग छोड़ के गए हैं, धंधे के लिए गए हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जिस भी जात के हों। तो आप क्योंकि चुनाव पास आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है और इनका मुख्य मकसद है किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता पैदा करके वोट लेना। लेकिन रंजना जी, कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में एक समस्या है। देखिए, कानून व्यवस्था जहाँ पे खराब है वहाँ पे पूरी कोशिश की जा रही कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की, वो एक दूसरा मुद्दा हो गया। वो तो आप किसी भी शहर में जाएंगी अगर आपको इस तरह मिलेगी घटनाएं तो आप जरूर कहेंगे कि कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, वो दूसरी चीज हो गई, एक दूसरा मुद्दा हो गया। लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम रंग देना, सांप्रदायिकता का रंग देना, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है और सारी जनता को मिलकर अभी तो फोटो चलिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दल इस पर रोटियां से